योगी जी को वैसे भी बिहार की जनता नकार चुकी है। 2020 के परिणाम दिखाते हैं, तीसरे नंबर की पार्टी बन गए, आधे से ज्यादा प्रत्याशी उनके चुनाव हार गए। तो जिनको बिहार की जनता ने रिजेक्ट कर दिया, देश की जनता उनको कैसे अपनाएगी? ये बहुत बड़ा सपना दिन में ये देख इसी में देख लीजिएगा। 2014 से बड़ा जनादेश 18 में यही सारी बातें हो रही थी, यही सारी बातें 18 में की गई थी। 19 में 2014 से बड़ा जनादेश हम लोग को मिला और 24 में इससे बड़ा जनादेश हम लोग लेकर आएंगे। मैं बिहारी हूं सर, बिहार से कम मैं विश्वास दिलाता हूं 40 की 40 सीटें हमारा एनडीए गठबंधन जीत कर आएगा, इसमें कहीं कोई शंका नहीं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन सभी लोगों को सहृदय धन्यवाद। चिराग पासवान ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वह असल में बिहार का शेर नेता है। लोकसभा में उन्होंने जो गर्जा उसकी गूंज बिहार तक सुनाई दी और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की चिराग पासवान ने बखिया उधेर कर रख दी। आगे हम आपको चिराग पासवान का वो शानदार भाषण आपको सुनाने जा रहे हैं और आपसे निवेदन है कि इस भाषण को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। आपको लगेगा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो सपना है वह एक न एक दिन पूरा होगा और हमारा बिहार जो है वो देश के अग्रणी राज्यों में, विकसित राज्यों में एक दिन जरूर खड़ा होगा। आगे आप चिराग पासवान का भाषण सुन लीजिए। सर, इस सदन ने कई अविश्वास प्रस्ताव इससे पहले देखे पर मुझे लगता है ये अपने में एक ऐसा अनोखा अविश्वास प्रस्ताव है जिसमें अविश्वास सरकार के प्रति कम बल्कि विश्वास बढ़ाना अपने इस नए गठबंधन के प्रति ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। इन लोगों को इस बात को दर्शाना है कि किस तरीके से ये गठबंधन इनके साथ है, जिस गठबंधन को बनाने का ये लोग एक लंबे समय से ये लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, ये अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा हो रही है, सर यकीनन सरकार की उपलब्धियों को बताना भी जरूरी है, पर उससे पहले जिस उद्देश्य के साथ इस प्रस्ताव को यहाँ पर लाया गया है मणिपुर को लेकर, उस पर सर मैं जरूर अपनी बातों को यहाँ पर रखना चाहूंगा। सर, पिछले 3 दिन से बहस चल रही है और इन 3 दिनों में सर सिर्फ दोषारोपण ही किया गया है, सिर्फ यहाँ पर बातों को दोष लगा लगा कर बताया गया है, किसी ने भी यहाँ पर समाधान देने का प्रयास नहीं किया। सर, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में मणिपुर के लोग वहां बैठे सुनने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी बेहतरी के लिए आपने क्या किया। सर, कल गृह मंत्री जी ने इतनी खूबसूरती से तमाम पक्षों को रखा और इतनी विनम्रता से उन्होंने सारी बातों को रखा, पर उसके बावजूद सिर्फ दोषारोपण करना। सर, 90 के दशक में भी मणिपुर में इसी तरीके की परिस्थितियां थी, उस वक्त किसकी सरकार थी? सर, क्या उस वक्त की सरकार ने मौजूदा सरकार को कोई इनपुट दिया? क्या उस वक्त के सरकार में बैठे लोगों ने कितनी बार इस सदन में चर्चा की, कितनी बार किन लोगों ने उस चर्चा का जवाब दिया? कल तमाम ये बातें आदरणीय गृह मंत्री जी ने रखी। सर, ये लोग गए थे मणिपुर, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए ये, पर सर ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, सेलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। सर, जो लोग मणिपुर गए थे यही लोग सर बिहार भी गए थे, बिहार में क्यों नहीं ये लोग गए? दरभंगा क्यों नहीं गए ये लोग? अरवल क्यों नहीं गए ये लोग? मुजफ्फरपुर, अभी बछवाड़ा में सर एक छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म करके 10 साल की बच्ची, उसको तेजाब छिड़क कर उसको जलाकर मार दिया गया, उसके शरीर को अपने ही घर में 10 फीट गड्ढे में उसको दफना दिया गया। दलित महिला के साथ सर मुजफ्फरपुर में दुष्कर्म करके उसके शरीर को 2 टुकड़ों में काट कर अर्धनग्न व्यवस्था में सर खेत में फेंक दिया गया। क्यों नहीं गए ये लोग वहां पर? अपने गठबंधन को तो मजबूत करने गए पर क्यों नहीं ऐसे परिवारों से जाकर मिले? तो सर ये सेलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जब निभाते हैं। सर, हकीकत है देश के किसी भी कोने में किसी भी माँ बेटी के साथ ऐसी घटना हो रही है तो वो अक्षम्य है, वो निंदनीय है और उसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसमें पूरे सदन को सर एकजुट होना होगा। कल गृह मंत्री जी ने जिस तरीके से अपील की, सर पूरे सदन को इसमें एकजुट होना होगा। इसमें आप आइसोलेट करके नहीं देख सकते कि जहां आपकी सरकार है वहां की घटनाओं को आप छुपाएंगे और जहां दूसरों की सरकार है वहां की घटनाओं को आप उठाएंगे। आपको चर्चा करनी होगी बंगाल पर, चर्चा करनी होगी आपको बिहार पर, चर्चा करनी होगी आपको राजस्थान पर, चर्चा करनी होगी आपको कर्नाटका पर। सर, ये देश एक है सर, आप इसको ऐसे टुकड़ों में बांटकर आप नहीं आइसोलेट करके आप अपने विषयों को उठा सकते और यही कारण है सर कि देश की जनता का विश्वास हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर हर चुनाव के साथ बढ़ता जा रहा है और वो दिन दूर नहीं सर, 2024 चुनाव सामने है। सर, इसी में देख लीजिएगा, 2014 से बड़ा जनादेश 18 में यही सारी बातें हो रही थी, यही सारी बातें 18 में की गई थी। 19 में 2014 से बड़ा जनादेश हम लोग को मिला और 24 में इससे बड़ा जनादेश हम लोग लेकर आएंगे। मैं बिहारी हूं सर, बिहार से कम मैं विश्वास दिलाता हूं 40 की 40 सीटें हमारा एनडीए गठबंधन जीत कर आएगा, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है।
मैं जमुई का प्रतिनिधित्व करता हूं सर। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि हाजीपुर रही है सर। बिहार के हर एक जिले में घुमाऊ और वो मेरे विश्वास को बढ़ाता है। आज बिहार के युवा, देश भर के युवा सर, देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हुए देखना चाहते हैं। 2047 में हमारे देश को एक विकसित देश के तौर पर देखना चाहते हैं, और इस सपने को कोई पूरा कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही पूरा कर सकते हैं। इसीलिए सर मैं अपनी पार्टी की तरफ से, जहां बिल्कुल हराएंगे नीतीश जी को वैसे भी बिहार की जनता नकार चुकी है। 2020 के परिणाम दिखाते हैं, तीसरे नंबर की पार्टी बन गए, आधे से ज्यादा प्रत्याशी उनके चुनाव हार गए। तो जिनको बिहार की जनता ने रिजेक्ट कर दिया, देश की जनता उनको कैसे अपनाएगी? ये बहुत बड़ा सपना दिन में ये देख रहे हैं। इसी के साथ सर मैं इस सदन में आए इस अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में अपनी बातों को रखते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूर्ण समर्थन हमारी एनडीए की सरकार हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देती है। बहुत बहुत धन्यवाद।